Hello everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to rationalize the denominator. Now the question arises, why do we rationalize the denominator? Okay. तो सबसे पहले हमें जो है ना ये पता होना चाहिए कि what is radical. Radical क्या है? ये symbol. ये जो symbol है ये represent करता है कोई भी number का square root. Means a radical is a symbol that represent a particular root, means particular square root of a number. अब अगर इस radical का use करके अगर हम कुछ numbers लिखें कि जैसे अगर मैंने लिखा 2/√5 plus 1/3 plus √2. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है यहाँ क्या है? √5 है. यहाँ पे क्या है? रेडिकल है. और यहाँ पे 3 plus √2 और यहाँ पे जो ये √2 है इसमें भी क्या है? रेडिकल है. सो क्या हम इनको जो है ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या ये इजी होगा? नहीं. अब अगर मैं इन्हें अगर रैशनलाइज कर दूं कि अगर मैंने सपोज इन्हें अगर रैशनलाइज करूं तो रैशनलाइज करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/√5/5 प्लस 3 - √2/7. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसमें जो है रेडिकल नहीं है ना. सो अब यहाँ पे हमारे को जो है इजी हो जाएगा इन दोनों को ऐड करना. सो इसलिए हम क्या करते हैं? हम डिनोमिनेटर्स को जो है रैशनलाइज करते हैं. और वैसे भी ये √5 और √2 क्या है? ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है ना. सो इसलिए भी हम जो है इन्हें क्या करते हैं कि रैशनलाइज करते हैं ताकि ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये जो रूट में जो नंबर्स हैं, ये डिनोमिनेटर से क्या हो जाए? हट जाए. ताकि हमें इन्हें ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी करना हो तो वो हमारे लिए क्या हो जाए? इजी हो जाए. Okay, now we will learn how to rationalize the denominators. Now the first part is 1/√7. ठीक है. अब यहाँ पे √7 है. So अब हम क्या करेंगे? इसको जो है यही √7 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी √7 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम नंबर से क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ताकि अगर हम इन्हें कैंसिल करें, जैसे √7 अगर कैंसिल भी कर दें तो वो जो एक्चुअल में जो था 1/√7 वो एज इट इज रहेगा. अब हम क्या करेंगे? अब देखो 1 × √7 कितना रहेगा? √7. अब √7 कितना हो गया? 7. क्यों? क्योंकि √7 है. रूट का मतलब क्या होगी? हाफ, पावर हाफ. और इधर भी क्या है? 7 और ये क्या है? पावर हाफ. अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है. अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड 1/2 + 1/2. 7 1/2 कितना हो गया? 2. ठीक है, एलसीएम लेंगे 2 और ये हो गया 1 + 1 दैट इज 2/2 और कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया 7. या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 हाफ 7 तो कितना हो गया? कंप्लीट 7 मीन्स होल 7. सो आंसर क्या आ गया हमारा? √7/7. हमने क्या कर दिया? रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को. नाउ द नेक्स्ट इज 1/√7 - √6. तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पे माइनस है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस से. न्यूमरेटर में भी √7 + √6 और डिनोमिनेटर में भी √7 + √6. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है अब हम जो है आइडेंटिटी लगा सकते हैं. कौन सी? a - b एंड a + b की. और a - b क्या होता है? a² - b². अगर हम a - b लिखेंगे फिर भी हमारे पास ये रूट रह जाता. a + b लिखते तो फिर भी हमारे पास रूट रह जाता. तो इसलिए हमने क्या किया? a - b a + b. सो 1 मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये सेम आ गया √7 प्लस √6। अब यहाँ पे जो a है वो क्या हो गया √7 और b क्या हो गया √6। सो a का स्क्वायर क्या हो गया √7 का स्क्वायर माइनस b क्या है √6 का स्क्वायर। सो √7 प्लस √6 अब √7 का होल स्क्वायर मीन्स √7 मल्टीप्लाई बाय √7 क्या होगा 7 और √6 मल्टीप्लाई बाय √6 कितना होगा 6। हाफ हाफ क्या हो गया कंप्लीट होल। सो ये क्या हो गया 7 माइनस 6। सो ये आंसर आ गया हमारे पास √7 प्लस √6 एंड 7 माइनस 6 क्या हो गया 1। मीन्स हमारे पास आंसर क्या आ गया √7 प्लस √6। ओके नाउ द नेक्स्ट इज 1/√5 प्लस √2। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे नेगेटिव से मीन्स √5 माइनस √2 एंड देन √5 माइनस आ गया a प्लस b a माइनस b। अब 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा सेम आएगा दैट इज √5 माइनस √2। अब a क्या है यहाँ पे √5 और b क्या है √2। तो ये हो गया a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। सो √5 माइनस √2 √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो गया 2। सो हमारा आंसर क्या आ गया √5 माइनस √2 एंड 5 माइनस 2 3। नाउ द नेक्स्ट इज 1/√7 माइनस 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे √7 प्लस 2 देन √7 प्लस 2। 1 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा √7 प्लस 2 और यहाँ पे a क्या है √7 और b क्या है 2। सो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो √7 प्लस 2 √7 कितना हो गया 7 एंड 2 2 = 4 7 माइनस 4। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया √7 प्लस 2 एंड 7 माइनस 4 3। नाउ द नेक्स्ट इज 5/√3 माइनस √5। अब यहाँ पे क्या करेंगे √3 प्लस √5 है ना क्योंकि माइनस था अब यहाँ पे प्लस में √3 प्लस √5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो गया 5 ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया √3 प्लस √5। अब यहाँ पे a क्या है 3 सो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 5 √5 का स्क्वायर ठीक है 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई √3 प्लस √5। अब √3 का स्क्वायर मीन्स √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 एंड √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ गया। अब आप देखो ये हो गया 5 √3 प्लस √5। अब 3 माइनस 5 कितना हो गया प्लस माइनस माइनस 2 और साइन क्या आएगा ग्रेटर नंबर का 5 बड़ा है 3 क्या स्मॉलर है 5 के साथ क्या माइनस तो माइनस। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आ गया माइनस 5/2। इसको हम एक साथ लिख देंगे ब्रैकेट में √3 प्लस √5 ओके। Now the next question is 1/7 plus 3 √2। So मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 3 √2 से देन 7 माइनस 3 √2 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 7 माइनस 3 √2। अब यहाँ पे a क्या है 7 तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर ठीक है। सो ये हो गया 7 माइनस 3 √2 ओके। अब 7 7 से कितना हो गया 49। अब 3 √2 मल्टीप्लाई बाय 3 √2 ये क्या होगा। अब आप देखो जैसे 3 ठीक है फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबको मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ठीक है। सो 3 3 से कितना हो गया 9 एंड √2 कितना हो गया 2। सो 9 2 से कितना हो गया 18। सो 49 माइनस 18। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7 माइनस 3 √2 एंड 49 माइनस 18 कितना हो गया 31 ओके। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को ताकि जो हमारे पास रूट है डिनोमिनेटर में वो हम क्या करें रिमूव कर दे ताकि हमारे को जो है ऐड या उन्हें सबट्रैक्ट करना तो वो हमारे लिए क्या हो जाए easy it is. Okay, so I hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.